हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। सो दिस इज विशाल मसी। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आज क्लास 4 कवर करेंगे या क्लास 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे आप लेक्चर 4 भी कह सकते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, जो इस क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं हम। उसका जो पहला टॉपिक है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। एक्चुअली जो यूटिलिटी कंसेप्ट है आपका, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस थ्योरी का, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, जो मोस्ट प्रोबेबली 3 और 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो मैं आज आपको फ्रेम करके बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा इसको अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। फाइन, ठीक है। जिसने ये लेक्चर से पहले जो पिछले लेक्चर है वो नहीं देखे, प्लीज जाके देखिए। मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप जाके वो प्रीवियस 3 वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा और एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की करूंगा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइएगा आप तो आपको ये समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक जो कंज्यूमर है वो आइसक्रीम उसे बहुत पसंद है। लेट सपोज हम अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मुझे आइसक्रीम लेट सपोज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने उसके मैं एक साथ कई जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा। मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने यहाँ पर 6 यूनिट्स ले लिए जो कि मैं आइसक्रीम के कंज्यूम करने वाला हूँ। अब हमारी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि जब भी आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो उससे क्या होता है, हमें यूटिलिटी मिलती है। उससे क्या मिलता है, हमें यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, जैसे देखते हैं टोटल, तो उस यूटिलिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपका टोटल यूटिलिटी और आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जब आपको टोटल यूटिलिटी, जब आपको सारे गुड्स कंज्यूम करके मिलती है, सारे यूनिट्स को जब कंज्यूम करके टोटल यूटिलिटी आप ऐड कर देंगे आप, तो आपको क्या उसे क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी मिलेंगे बोलेंगे। और जब आप एडिशनल, ठीक है, जब आपको, जब एक से दूसरे में आते हो, दूसरे से तीसरे में आते हो, तो जितनी एडिशनल यूटिलिटी मिलती है आपको, मतलब जब एक इंक्रीज कर रहे हो, जब अपने यूनिट्स वन बाय वन इंक्रीज कर रहे हो, तो उससे कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो यूटिलिटी मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ यूटिलिटी क्या होती है, मैं बार बार यूटिलिटी वर्ड यूज कर रहा हूँ। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। और क्या होता है, जब कोई भी कॉमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें टोटल यूटिलिटी भी गेन होती है और मार्जिनल यूटिलिटी भी गेन होती है, आप एक ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं। फाइन, ठीक है। अब देखो, अब मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया, मैं मार्केट गया, तो मैंने सबसे पहले जो आइसक्रीम, पहली आइसक्रीम खरीदी, तो मुझे क्या मिली, उसे 20 टोटल यूटिलिटी मिली, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई कंज्यूम नहीं की थी, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 ही होगी। तो कहने का क्या मतलब है, जो फर्स्ट कॉमोडिटी जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है किसी कॉमोडिटी की, तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल बराबर होती है, क्योंकि इससे प्रीवियस उसने कोई चीज अभी तो इस उस कॉमोडिटी की ली नहीं है, कंज्यूम ही नहीं की। अब जब वो दूसरे पे आया, देखो दूसरा यूनिट, जब दूसरा उसने क्या किया, एक कॉमोडिटी कंज्यूम किया, दूसरा यूनिट कंज्यूम किया उस कॉमोडिटी का, कॉमोडिटी एक ही है, दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, तो उसे टोटल यूटिलिटी 36 मिली। अब इस 36 में देखिए आप, 20 भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जो प्रीवियस आपको यूटिलिटी जो फर्स्ट से मिली थी वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ऐसी जब दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो आपकी 46 है, तो 46 में आपकी दूसरे यूनिट की और फर्स्ट यूनिट की भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ऐसी फोर्थ यूनिट में जो 50 टोटल यूटिलिटी मिली है, मतलब ये चारों को कंज्यूम करने के बाद आपको 50 टोटल यूटिलिटी मिल रही है, और जिसमें आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड की भी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्लूडेड होती है। चलो, ये तो बात समझ में आ गई हमें, टोटल यूटिलिटी मतलब हम जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी को हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, अब भैया मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है आप एडिशनल यूटिलिटी, देखिए जब आप वन से टू में आएंगे, ठीक है, जब आप वन से टू में आए तो आपको कितनी ज्यादा मिली, देखो 20 थी, कितनी एडिशनल मिली आपको, सिर्फ मिली 16। देखिए 20 से जब आप 30, जब 1 से 2 में आते हैं तो आपको 20 से 36 में आए आप टोटल यूटिलिटी में, तो आपको कितनी ज्यादा मिली, प्लस 16। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लस 16 मिली, देखिए जब 1 से 2 में आए तो आपको कितनी एडिशनल, प्लस 16, तो जो कि हमने यहां लिख दिया, जो कि हमने यहां लिख दिया। ऐसी जब आप 2 से 3 में आएंगे, जब 2 से 3 में आए आप, तो देखा आपने 36 से 46 में, ठीक है, 36 से 46 हो गई आपकी, तो प्लस कितनी ऐड हुई आपकी, प्लस 10,
ठीक है, प्लस 10, ठीक है। देखिए 36 46 माइनस 36 प्लस 10, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए एक प्रीवियस माइनस उससे पिछले माइनस कर लिया। देखिए 36 माइनस 20 16, 46 माइनस 36 10, 50 माइनस 46 4, 50 माइनस 50 0, 44 माइनस 50 माइनस 6। तो आपने एक चीज पैटर्न ध्यान रखा कि क्या हुआ, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होती जा रही है आपकी। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो रही है, फॉल होती जा रही है, ठीक है। ठीक है, अब एक बात और चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका पैटर्न क्या है एक्चुअली। देखिए टोटल यूटिलिटी आपकी पहले बढ़ी, इंक्रीज हुई, यहां तक इंक्रीज हुई, ठीक है, यहां पे बराबर हो गई, इस पॉइंट पे आके बराबर हो गई, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई आके, और फिर आपकी फॉल होने लगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूं आइसक्रीम के कंजप्शन से, मैं जैसे जैसे यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा हूं मैं बोर होता जा रहा हूं उससे, इसलिए मेरी टोटल यूटिलिटी एक पहले तो बढ़ी, फिर बराबर हुई मैक्सिमम पे, फिर फॉल होने लग गई। ये सब साइकोलॉजिकल एक तरह का लॉ है, साइकोलॉजी कह सकते हैं, या एक तरह का नेचर कह सकते हैं, कि हम धीरे धीरे क्या चीजों से बोर होते हैं। पहले हम उसका जो मन है हमारा, जो किसी कॉमोडिटी के लिए ऊपर जाता है, उसका इंटरेस्ट ऊपर जाता है, फिर एक मैक्सिमम पीक पे आके फॉल होने लग जाता है, क्योंकि आपको फिर उससे बोर हो जाते हो, आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो वही चीज हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने जब फर्स्ट किया 20, तो अप टू 4 आपने इंक्रीज की, उसके बाद आपका क्या हो गया, मन भरने लग गया। इस पॉइंट से आपका क्या मन भर गया। देखिए थर्ड से फोर्थ में है, तो फोर्थ से फिफ्थ आपको सेम यूटिलिटी मिली, आपको लगा रहे यार अब नहीं मजा आ रहा, बस अब खत्म, अब नहीं मन कर रहा। देखिए तो सेम आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन आप फिर भी फिफ्थ से सिक्स्थ खा लेते हो, फिफ्थ से सिक्स्थ आप खा लेते हो, 50 से 44 में आ जाते हो, मतलब आपका कम होने लग गया उस चीज से सेटिस्फेक्शन, ठीक है, बिल्कुल, मतलब तो हो ही, मतलब ये तो आपका सेचुरेशन पॉइंट है। तभी जब एमयू हमारा जीरो होता है, जब एमयू जीरो होता है, देखिए एमयू जीरो है यहाँ पर, ठीक है, एमयू हमारा जीरो है, तो इसे पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सेचुरेशन भी बोला जाता है, कि इससे ऊपर तो भैया खत्म कहानी, अब इसके ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ में खरीदना नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी वो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो फिर वो नेगेटिव में चले जाती है, ये स्टेज आप ये मान सकते हैं, शायद वो वॉमिट कर दे, है ना, खाते खाते वॉमिट कर दे उसको। तो ये हमारी होती है टोटल यूटिलिटी। अब इस चीज को हमें ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूं। देखिए टीयू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, टीयू इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे कर रहा है। देखिए पहले 16 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा, फिर बाद में सिर्फ 4 से बढ़ा, देखिए ठीक है, सिर्फ 4 से बढ़ा आपका, ओके जस्ट अ मिनट, ठीक है, ठीक जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज अदर मार्कर। So, आप ये देख सकते हैं कि बाद में उसके बाद कितना बड़ा, सिर्फ 4 से बड़ा, ठीक है, उसके बाद फिर 0 से बड़ा, बड़ा ही नहीं, देखिए प्लस 0 जो यहां आ गया, फिर उसके बाद माइनस 6 है, 44 माइनस 15 माइनस 6। तो सिंपल एमयू कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट यूनिट में तो सेम रहेगा, 36 माइनस 20 16 प्लस 16, 46 माइनस 36 10, 50 माइनस 46 4, 50 माइनस 50 0, 44 माइनस 50 माइनस 6। तो ये हमारी हो गई टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप कभी भी कोई भी जब अपनी तरफ से भी लेते हो, तो आप सबसे पहले टीयू को इंक्रीज करिएगा डिक्रीजिंग रेट पे, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम कर देना, उसके बाद उसे फॉल करा देना, और उससे क्या हमारे जो एमयू आप उसको प्रीवियस वाले से माइनस करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए टीयू इंक्रीजेस है डिक्रीजिंग रेट, टीयू इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे कर रहा है, देखिए है ना, जब 1 से 2 में आया, 2 से, तो उसका धीरे धीरे कम से टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, 16 फिर 10, ठीक है, फिर एमयू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एमयू कर्व टू डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों, क्योंकि एमयू आपका फर्स्ट पॉइंट से फॉल होता है, ध्यान रखिएगा एमयू फर्स्ट पॉइंट से फॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका ग्राफ भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब तीसरी चीज, अब ये जो पॉइंट्स है आपको मैं इस ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, टीयू को, जो टीयू है हमने इसे यहां पर शो कर दिया, ठीक है, और एमयू को क्या कर दिया हमने, यहां शो कर दिया, ओके, क्योंकि एमयू हमारा नेगेटिव है, तो हमने इसे एक्सटेंड कर दी लाइन को, ठीक है, आप देख सकते हैं लाइन मैंने एक्सटेंड की है, ओके, वाई एक्सिस जो मैंने एक्सटेंड की, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये आपको वाई एक्सिस होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है, ये आप जरूर लिख दीजिएगा एग्जाम में, ओके, सो दिस इज आर एक्स एक्सिस, दिस इज आर वाई एक्सिस, सेम वे दिस इज आर एक्स एक्सिस, मैंने वाई एक्सिस को एक्सटेंड इसलिए किया है क्योंकि आपका ये नेगेटिव में एमयू शो है, क्योंकि हमने एमयू यहाँ पर शो करना है। तो हमने टीयू का अलग ले लिया, एमयू का अलग ले लिया। अब मैंने ये चीज आपको पॉइंट्स, इस पॉइंट का जो ग्राफ है हमने यहाँ पर शो किया, देखो टीयू पहले बढ़ा, फिर एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो गया, वो ये है मैक्सिमम, और उसके बाद फॉल हो रहा है, देखो टीयू फॉल हो रहा है, तो टीयू फॉल ये हो रहा है आपका, देखिए टीयू आपका फॉल हो रहा है, तो 44 ये 44 की पोजीशन शो कर रहा है, ये 50 की शो कर रहा है, और ये जो पोजीशन है आपकी यहां तक शो कर रहा है 1 से लेके 4 यूनिट तक,
वन से लेके आप कह सकते हैं थर्ड यूनिट तक आप इंक्रीज करना है। बाद में 50 और 50 इस पॉइंट पे तो बराबर हो जा रहे हैं आपके, वो ये पॉइंट है आपका, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है, सिक्स पॉइंट पे आप टी यू आपकी फॉल हो रही है। अब इसके चेंज होने से इस पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये होती है रिलेशनशिप। इसके चेंज होने से इस पे क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए जब ये इंक्रीज करता है तो एमयू आपका पॉजिटिव रहता है। देखिए आप जब ये इंक्रीज कर रहा है, देखो 1 2 3 पॉइंट तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है अप टू फोर्थ पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट 1 2 3 फोर्थ पॉइंट तक इंक्रीज किया तो आपका एमयू देखो ग्रेटर देन जीरो है। देखो 20 60 10 14 जीरो से बड़ा है तो जीरो ये यहां तक शो करेगा। लेकिन जैसा ही आपका टीयू मैक्सिमम होगा, देखिए टीयू मैक्सिमम हो गया आपका यहाँ इस पे फिफ्थ पॉइंट पे, ठीक है। टीयू मैक्सिमम इस पॉइंट फिफ्थ पॉइंट पे मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है देखिए 50, तो आपका एमयू कितना हो जाएगा जीरो। देखिए एमयू जीरो है। और जैसे ही टीयू फॉल होना शुरू होता है, देखिए टीयू यहाँ सिक्स पॉइंट पे फॉल हो रहा है तो आपका एमयू क्या है नेगेटिव में चलेगा। देखिए एमयू नेगेटिव है जब टीयू फॉल हो रहा है, तो इस पॉइंट अगर आप स्ट्रेट लाइन देख लीजिए एमयू फॉल हो रहा है, तो इस पॉइंट पे जब टीयू फॉल होता है तब एमयू क्या है लेस देन जीरो है। जब आपका टीयू मैक्सिमम होता है तब एमयू जीरो इक्वल टू जीरो होता है। और जब टीयू इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग, ध्यान रखिए टीयू इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टीयू इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है, तो तब तक एमयू क्या रहेगा हमारा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो जब टीयू व्हेन टीयू इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एमयू रिमेन्स पॉजिटिव, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज जीरो, जिसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोला जाता है या पॉइंट ऑफ सैटिटी बोला जाता है, ठीक है ध्यान रखना। और जब टीयू फॉल होता है आपका तब एमयू क्या होता है लेस देन जीरो होता है। और यहां पर प्लीज आप नंबर ऑफ आइसक्रीम जरूर लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ आइसक्रीम, क्योंकि ये नंबर ऑफ आइसक्रीम शो कर रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर टीयू मैक्सिमम है तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है, टीयू फॉल हो रहा है ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, ये हमारा सिक्स पॉइंट हुआ, ठीक है। ऐसे ये कौन से यहां तक कौन से पॉइंट शो कर रहे हैं हमारे 1 2 3 अप टू थर्ड पॉइंट, फिफ्थ पे तो दोनों बराबर ही है, तो ये हमारा पॉइंट फिफ्थ है जो मैक्सिमम है, तो ये फोर्थ पॉइंट यहां पर कह सकते हैं फोर्थ और फिफ्थ दोनों पॉइंट सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारा है टीयू और एमयू का रिलेशनशिप, आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में और ऐसे आपके 3 और 4 मार्क्स का इजिली कवर हो जाएगा। सो आई होप इट इज अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच।